ओनली रेड अशोक भाई, आपने कहा था कि 325 से ज्यादा रन मार दिए तो मेरे को मत बुलाना मिड शो पर, सर हम आदत से मजबूर हैं आपके बिना मतलब चार चांद नहीं लगते शो में, और जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है, जी 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 बताइए, बोलिए बोलिए, जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है 389 रन हो गए, 389 for 4, अभी दो बॉल बची हैं तो 400 का जो आंकड़ा है अभी भी पार हो सकता है, अभी भी पार हो सकता है, देखते हैं कि 400 तक लालची कितने हैं शोएब भाई, रन कम तो नहीं रह गए सेमीफाइनल के हिसाब से? नहीं थोड़े कम है, थोड़े कम है, मुझे लगता था कि 425 करने चाहिए थे, लेकिन मुझे लग रहा है आपके 401 के 2 होंगे, और अब न्यूजीलैंड के प्लेयर भी टकरे मार रहे हैं आपस में, तो बस यही था यार, बस वर्ल्ड कप इंडिया के लिए हुआ था, इंडिया ने जीत लिया, और फैंटी आपने जो लगाई है वो डिजर्व करता था, फैंटी जिस तरह आपने लगाई है, और बहुत अच्छा खेले हैं यार, मैंने आपसे कहा था ना रोहित शर्मा छोड़ेगा नहीं, अगर वो थोड़ी देर सबर कर जाते तो वो 200 करके उठते यहाँ से, लेकिन वो सबर नहीं करते, लेकिन क्या बात है यार विराट कोहली की, और क्या बात है श्रेयस अय्यर की यार, क्या खेला है भाई, क्या उसने उसका 100-400 में देख लिया आपको, क्या बात है उसकी, बहुत ही शानदार खेले, और आकाश भाई मतलब रोहित शर्मा जैसे खेले, मतलब जो स्टार्ट उन्होंने देखी, मतलब 15-16 बॉल पे उनके 30-35 रन हो गए थे, तो क्या इसी मतलब यही वही वो बेस था जिस वजह से शायद कोहली को एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यार अब मैं शायद थोड़ा आराम से खेल के भी सेंचुरी मार सकता हूँ? देखिए क्या होता है, ये एक्चुअली वो 5 उंगलियां जब मिलती हैं तो मुट्ठी बनती है, तो ये फिलॉसफी है क्रिकेट की, इस प्रकार से खेली जाती है, खास तौर से और ज्यादा एग्जेम्प्लीफाई होती है जब आप टी ये 50 ओवर फॉर्मेट खेलते हो, और देखिए इसी टीम के हमने जब ये पिछला वर्ल्ड कप खेल रहे थे हमने बड़ी आलोचना की थी कि यार आप आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हो, आप ना जिस तरीके की क्रिकेट खेली जानी चाहिए आप वैसा फॉर्मेट वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, और नतीजा यही था कि हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, या सेमीफाइनल पहुंचे थे हार गए थे इंग्लैंड से, पर यहां पर अगर आप देखते हो तो 400 पे पहुंच रहे हैं हम लगातार, बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको कितने पहुंचे ये बता दो फटाफट से, 397 रन टीम इंडिया ने बनाए हैं, 50 ओवर खत्म हो चुके हैं, भारत ने 397 रन बनाए हैं, 398 का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए, और यहां पर मतलब जिस तरीके से बेहतरीन बैटिंग शुभमन गिल वापस आए थे 80 रन बनाकर, वो नॉट आउट जा रहे हैं, उसके अलावा केएल राहुल, लेकिन बात आज होगी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की सेंचुरीज की, विराट कोहली ने 113 रन 117 रन बनाए 113 बॉल में, और श्रेयस अय्यर ने 70 बॉल में 105 रन पर, विराट कोहली ने आज जो सेंचुरी मारी है वो सेंचुरी ना सिर्फ इस सेमीफाइनल में, अभी तक बातें उठ रही थी कि विराट कोहली क्या सेमीफाइनल में बड़ा स्कोर नहीं बना पाते, इससे पहले की वही मैं जो बता रहा था कल जो बात हुई थी, आकाश भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि जितनी गंदे स्टार्ट है वो आज कर लो सारे कर दिए, वो नेक्स्ट सारे निकल जाए बीच में।